हेलो बच्चों, आज हम अध्याय वायुमंडल के भाग दो पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वायुमंडल की संरचना और मौसम एवं जलवायु। तो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम वायुमंडल की संरचना से। बच्चों, जैसे कि हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, वायुमंडल की परतों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये जो क्षोभ मंडल है अर्थात ट्रोपोस्फीयर, वो उसका सबसे पहली परत है। तो बच्चों, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है। बच्चों, इस मंडल में अर्थात क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटती हैं, जैसे कि कोहरा, बादल, ओला, आंधी तूफान, वर्षा इत्यादि। बच्चों, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे वायु का जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है, अथवा 1000 की मीटर की ऊंचाई पे 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। बच्चों, इसे समान ताप पतन दर भी कहते हैं। अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की ऊंचाई की, तो ध्रुवों पे 8 से 10 किलोमीटर है तथा विषुवत रेखा पर यह लगभग 18 से 20 किलोमीटर है। यहां तक कि क्षोभ मंडल के गर्म और शीतल होने का कार्य जो है विकिरण अर्थात रेडिएशन, संचालन अर्थात कंडक्शन तथा संवहन अर्थात कन्वेंशन द्वारा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम विकिरण, संचालन तथा संवहन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विकिरण अर्थात रेडिएशन किसे कहते हैं। बच्चों, कोई भी वस्तु निश्चित ताप पे अनेक प्रकार की ऊष्मा तरंगे प्रसारित करता है और इन्हें ही हम रेडिएशन कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, कोई भी वस्तु, जैसे यहाँ पे आग जल रही है, तो ये जो आग है वो क्या कर रही है, ऊष्मा तरंगे प्रसारित कर रही है, तो इन आग से ही रेडिएशन निकल रहा है। बच्चों, अब हम बात करते हैं कि संचालन अर्थात कंडक्शन किसे कहते हैं। तो संचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान या ग्रहण करता है। जैसे कि ये जो आपका वेसल्स है, इसका बेस गर्म होता है, तो यहाँ पे गर्म होने के कारण यहाँ की जो ऊष्मा है उसके हैंडल तक भी प्रसारित होती है। आप जब खाना बनाते होगे या आपने कभी मम्मी को खाना बनाते हुए घर में देखा है, तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप देखना कि जब गैस पे कोई बर्तन आप रखते हो तो उसके बर्तन के साथ साथ उसकी हैंडल भी जो है वो गर्म होती है। तो बच्चों, अब हमारा तीसरा है, वो है संवहन अर्थात कन्वेंशन। बच्चों, ऊष्मा का स्थानांतरण या संचरण की यह एक विधि है जिसमें किसी तरल पदार्थ जैसे गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण अर्थात ओवरऑल ट्रांसफर द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर पे। बच्चों, क्षोभ मंडल के ऊपर का जो भाग है वो समताप मंडल कहलाता है और इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। बच्चों, इस मंडल में सबसे प्रमुख बात ये होती है कि यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं। इसीलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये मंडल उत्तम माना जाता है। बच्चों, जहां ओजोन गैस की परत होती है अर्थात
इस मंडल में जो है ओजोन गैस की एक लेयर होती है, और ये जो लेयर है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज अर्थात पराबैंगनी किरणें और इसके अलावा अन्य हानिकारक गैसों को ये हमारे तक पहुंचने से रोकती है। तो बच्चों, यहाँ का तापमान जो है लगभग एक समान होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे मध्यमंडल अर्थात मेजोस्फेयर पे। बच्चों, यह मंडल जो है समताप और तापमंडल के बीच की वाली परत मानी जाती है, और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई है। बच्चों, अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड इसी परत में जल जाते हैं क्योंकि यह मंडल जो है काफी ठंडा होता है, और जैसे जैसे इसके ऊपर चले जाते हैं तापमान और भी गिरता जाता है। तो बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे तापमंडल अर्थात थर्मोस्फेयर पे। बच्चों, इस मंडल की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, और अयान मंडल इस परत का एक मुख्य भाग है। अयान मंडल जो है धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल का भाग होता है, और इसी में अर्थात अयान मंडल में विद्युतीय और चुंबकीय घटनाएं घटती रहती हैं। बच्चों, पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं इस परत द्वारा दोबारा वो परावर्तित करके पृथ्वी तक भेज दी जाती हैं। इसीलिए अयान मंडल का जो उपयोग है वो रेडियो संचारण के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे बहिर्मंडल अर्थात एक्सोस्फीयर पे। बच्चों, ये जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत मानी जाती है, और ये जो है वायु की एक पतली परत होती है, और इनमें हल्की गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरते हैं। बच्चों, अगर हम बहिर्मंडल की तापमान की बात करें तो ये बहुत अधिक होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे मौसम एवं जलवायु अर्थात वेदर एंड क्लाइमेट पे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मौसम किसे कहते हैं। बच्चों, वायुमंडल की प्रति घंटे तथा प्रति दिन की स्थिति को ही हम मौसम कहते हैं, और वहीं पे दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु कहलाता है। बच्चों, मौसम के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं और जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। प्राकृतिक वातावरण का बुनियादी तत्व जो है वो जलवायु होता है, और ये जलवायु जो है स्थल रूप मृदा के प्रकार तथा वनस्पति को प्रभावित करते हैं। बच्चों, मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व हैं तापमान, वायु दाब और आर्द्रता। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं तापमान पे। बच्चों, तापमान का तात्पर्य है किसी वस्तु का ठंडा एवं गर्म होने का पता चलना। बच्चों, वायु में किसी स्थान पे उस समय का ताप और शीतलता की प्रबलता को तापमान कहते हैं। यह समय के साथ अर्थात प्रत्येक घंटे, दिन एवं महीने में बदलते रहता है, अर्थात हर समय तापमान एक जैसा नहीं होता है। बच्चों, वायुमंडल को जो तापमान है वो दिन और रात में ही नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी होती है और शीत ऋतु में बहुत ठंडी होती है, तो बच्चों तापमान के अनुसार ही हम वस्त्र भी धारण करते हैं।
तापमान का एक महत्वपूर्ण कारक जो है वो है सूर्य ताप पर उत्पन्न आतपन अर्थात इंसुलेशन, जो तापमान के वितरण को जो है प्रभावित करता है। बच्चों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा तापमान पे जारी रखते हैं। तो बच्चों सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो पृथ्वी पे पड़ती है उसको हम आतपन अर्थात इंसोलेशन कहते हैं। बच्चों सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार से घटता जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो आतपन है वो पृथ्वी पर एक समान नहीं होता है। और बच्चों आतपन के इसी अंतर के कारण जीव जंतुओं का जीवन जो है प्रभावित होता है। बच्चों जैसे जैसे हम गांव से शहर की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि पाते हैं, क्योंकि शहर में कल कारखाने मोटर गाड़ी आदि जो है तापमान को बढ़ा देते हैं, और तापमान को जो मापने का यंत्र होता है उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे वायुदाब अर्थात एयर प्रेशर पे। बच्चों वायु हमारे शरीर पे उच्च दाब के साथ बल लगाती है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वायु का जो दाब है हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत दिशा में बल लगाता है। बच्चों पृथ्वी की सतह पे वायु के भार द्वारा लगाया गया बल ही वायु दाब कहलाता है। और जैसा कि हम जानते हैं समुद्र तल पे वायु दाब सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है उसके साथ साथ ये घटता जाता है। बच्चों वायुमंडलीय दाब को वायु दाब मापी अर्थात बैरोमीटर से मापा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा वायु दाब पे जारी रखते हैं। बच्चों वायु दाब का क्षैतिज वितरण उस स्थान पे उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है, अर्थात अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, जबकि कम तापमान वाले क्षेत्रों में उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनता है। बच्चों वायु दाब तथा टेम्परेचर अर्थात तापमान इनमें जो है विपरीत संबंध होता है, अर्थात तापमान के अधिक होने पे वायु दाब कम हो जाती है एवं तापमान के कम होने पे वायु दाब अधिक हो जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वायु दाब पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। बच्चों धरातल पे तापमान भिन्नता के कारण तीन निम्न वायुदाब पेटी तथा चार उच्च वायुदाब पेटी का विकास हुआ है। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में वायु को मूर्ति भी दिखाई गई है। ऐसा इस कारण से है क्योंकि वायु जो है फेरेल का नियम का अनुसरण करती है। तो अब आपके मन में सवाल होगा ये फेरेल का नियम क्या है? तो बच्चों फेरेल के नियम के अनुसार वायु उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने वायुमंडल की संरचना पर अपनी चर्चा को जारी रखते हुए वायुमंडल के सभी परतों पर चर्चा की, और इसके अलावा हमने मौसम एवं जलवायु के बारे में भी जानकारी हासिल की। इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। बच्चों अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे पवन पे तथा आर्द्रता पे। तब तक के लिए धन्यवाद।